हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रियाज एजुकेशन हब। और मेरा नाम है रिया तिवारी। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी, जो कि सेकेंड लैंग्वेज हिंदी है, जो मेरी मातृभाषा है और जिन्होंने ली है उनकी भी मातृभाषा होनी चाहिए। सो आज हम बात करेंगे बात अठन्नी की, जो कि क्लास 9 में भी आता है और क्लास 10 में भी आता है, दोनों के लिए यूजफुल है। सो हम पहले कवि परिचय पढ़ेंगे, फिर कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, मुख्य पात्र, फिर अन्य पात्र, फिर कहानी का उद्देश्य, और फिर कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो कि इजी रहेंगे, और कुछ कुछ क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लेंगे जो कि आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। सो पहले हम कवि परिचय पढ़ेंगे, जो कि है सुदर्शन जी। सो बात अठन्नी की, कहानीकार का परिचय। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ था, तो इनका रियल नाम बद्रीनाथ था। कवि परिचय जान लेना बेटर होगा, क्योंकि कई बार पूछा जा सकता है, मेरे टाइम में भी पूछा गया था, तो आपके टाइम में भी पूछा जा सकता है। सो इनका जन्म सियालकोट में सन 1895 में हुआ था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने दैनिक पत्र आर्य गजट के संपादक के रूप में भी कार्य किया है। इन्होंने उर्दू लिखना शुरू किया तथा बाद में हिंदी में आए। पहले ये उर्दू लिखते थे, फिर बाद में ये हिंदी में आने लगे। फिर 16 दिसंबर को 1967 को इनका स्वर्गवास हुआ, मतलब इनका निधन हुआ। सो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि आर्य समाज के सिद्धांतों की छाप है। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी है, मतलब समाज को सुधारने में ये ज़्यादा बिलीव रखते हैं, और इनकी कहानियाँ भी ज़्यादातर उसी के ऊपर रहती हैं। इनकी पहली कहानी हार की जीत थी। सुदर्शन जी की भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रभावी तथा मुहावरेदार है। मुहावरेदार है मतलब ये अपनी कहानी में मुहावरा बहुत यूज करते हैं। सो ये पूछा जा सकता है कि इनकी भाषा कैसी है। सो इनकी भाषा सहज है, स्वाभाविक है, प्रभावी है और तथा मुहावरेदार है। आपकी सभी रचनाओं में समस्याओं का समाधान आदर्शवाद से किया गया है। तो हमने कवि परिचय तो हमने पढ़ लिया है। अब हम पहले आते हैं कहानी पे। पहले हम कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद हम आएंगे पात्र पे। पात्र पे पहले ही बोल देती हूँ पात्र क्या क्या है। जो मेन कैरेक्टर्स है वो है रसीला है, जो हम पढ़ेंगे, रमजान है, शेख सलीमुद्दीन है। रसीला इंजीनियर बाबू के यहाँ काम करता है और रमजान शेख सलीमुद्दीन के यहाँ काम करता है। ये इंजीनियर है, ये जिला मजिस्ट्रेट है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम है। और अन्य पात्र के बारे में भी थोड़ा बताया गया है, जैसे कि रसीला का परिवार है, हलवाई है, सिपाही है, दासी है। इन सब के बारे में आपको नॉलेज रखना चाहिए। नॉलेज रखने से अगर कोई पूछ दिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले हम चलते हैं कहानी की तरफ। टेक्स्ट बुक आपके सामने होनी चाहिए। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा ना चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। ये जो सेंटेंस है आप अंडरलाइन कर ले, क्योंकि ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में, मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस रेफरेंस में ये बहुत टाइम रहता है। सो रसीला, जैसे कि मैंने कहा, इंजीनियर बाबू के यहाँ काम करता है। 10 रुपये वेतन था, मीन सैलरी उसकी 10 रुपीज थी। और गांव में उसके बूढ़े पिता, जैसे कि मैंने परिवार के बारे में बताया, बूढ़े पिता है, एक पत्नी है, एक लड़का है, आई थिंक यार एक लड़की है और 2 लड़के हैं। इन सभी का भार, इन पूरी घर की जिम्मेदारी उसी पर थी। वो सारी तनख्वाह घर भेज देता था, लेकिन ऑब्वियसली 10 रुपये से नहीं चल पाता था। ये कहानी बहुत पहले की कहानी है, सो इससे आप आज का रिलेट ना करें, क्योंकि आज 10 रुपये में कुछ नहीं होता, किसी का वेतन नहीं है, ये तब की कहानी है। सो 10 रुपये वेतन था तो उससे उसका घर नहीं चल पाता था, पूरी तनख्वाह भेजने के बाद भी। उसने प्रार्थना की इंजीनियर बाबू से कि वेतन बढ़ा दे, पर कोई वो बढ़ाते नहीं थे, लेकिन वो कहते थे कि अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे दे देन यू आर अलाउड टू गो, मतलब तुमको पूरी छूट है कि तुम कहीं और जाके काम कर लो। फिर उसके बाद आते हैं, वो सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया।
यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर ना मिलेगा। तो वो सोचता था कि अगर यहाँ से चल जाऊं तो शायद कोई वेतन बढ़ा दे 1-2 रुपया, 11-12 दे दे, लेकिन यहाँ जो आदर उसको मिलता था वो शायद वहाँ ना मिले, इसीलिए वो नहीं जाता था। फिर आते हैं हम जिला मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और सिला में बहुत मैत्री था। मैत्री था मतलब फ्रेंडशिप, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी दोनों में। दोनों घंटों साथ बैठते बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे, रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर बाबू को मिठाई का शौक था, तो इसीलिए रसीला रमजान को मिठाई देता था। जैसे हम नॉर्मली फ्रेंड्स में होते हैं, जब हम स्कूल में जब जाते थे हम तो टिफिन शेयर करते थे, वैसे ही वो लोग भी आपस में चीज अदला बदली करते थे। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं तो खाओ सौगंध। हम जैसे कसम दे देते हैं, इमोशनल होके कसम दे देते हैं कि अगर कोई बात नहीं है अगर तो आप कसम खाइए, मतलब कसम खाइए तो उसको सच ही बोलना पड़ेगा। फिर रसीला ने रमजान का हट देखा, हट देखा मतलब जिद देखी, तो आंखें भर आई मतलब उसे रोना आ गया, आंखों में आंसू आ गए। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार है और रुपए नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। पेशगी मतलब जो पहले एडवांस जो इनकम हम लेते हैं उसे पेशगी कहते हैं। ये लाइन रमजान ने कही। उसके बाद रसीला कहता है, कहते हैं कि एक पैसा भी ना दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी, उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया, मतलब उसको बोला कि आप रुकिए, और वो अपने आप कोठरी में चला गया, मतलब अपने घर में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। सोचने लगा, बाबू साहेब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। ये भी लाइन आप अंडरलाइन कर ले, इसके रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि रसीला सोच रहा था कि इंजीनियर बाबू को वो इतनी सेवा करता था, इतने आदर सत्कार देता था, फिर भी उन्होंने उसे पैसे नहीं दिए, लेकिन रमजान जो कि गरीब है, इंजीनियर बाबू जो कि अमीर है, तो उन्होंने पैसे नहीं दिए, तो रमजान तो गरीब होकर पैसे दे दिए, ईश्वर उसका भला करे। जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं अगर कोई हमारी हमारी भलाई के बारे में सोचता है या फिर कोई हमारी भलाई करता है तो हम उसको बोलते हैं कि ईश्वर आपकी भला करे। फिर रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए, उसने रमजान का ऋण चुका दिया, केवल 8 आने बाकी रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे ना मांग, फिर भी रसीला उसके आगे आंख ना उठा पाता। मतलब जैसे कि अगर हम किसी से पैसे लेते हैं तो अगर हम उन्हें नहीं दे पाते हैं तो हम कभी उसके सामने आंख नहीं उठा पाते, मतलब आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते हैं। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझो आपने मेरा काम मुफ्त में किया। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपए कमाने का ये कितना आसान तरीका है, मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ तब महीने भर में 10 रुपए हाथ आते हैं। वो बाहर गया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं, आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी कुछ नहीं हाथ आता। तो यहाँ एक कंपटीशन सा चल रहा है रसीला के गुरु और रसीला के मालिक और रमजान के मालिक के बीच। रसीला सोचता है कि ये पैसे कमाने का कितना आसान तरीका है, रिश्वत लेने के बाद बैठे बैठे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन हम तो इतने खट रहे हैं फिर भी मुश्किल से 10 रुपए वेतन हाथ आते हैं। वैसे ही शेख सलीम रमजान भी बात करता है अपने मालिक के, जो इंजीनियर बाबू के भी गुरु है, ऐसे ही उनकी कन्वर्सेशन चलती है कि पैसे कमाने का कितना ऑब्वियसली रिश्वत लेना कितना इजी होता है, लेकिन ये नहीं लेनी चाहिए। असीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म ना बिगड़ा, एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई, रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आओ। वो सोच रहा था कि ऐसे ऐसे करके अगर सैकड़ों रुपए निकल गए पर
धर्म ना बिगड़ा उसका, एक एक आना तो उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाते। वो रिश्वत के बारे में ही वो सोचता रह गया। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को 8 लौटा कर समझा कि कर्ज उतर गया। उसे लगा कि उसका कर्ज जो उसने रमजान से ली थी वो उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, ये मिठाई 5 रुपए की है? हुजूर 5 की ही है। उन्हें डाउट हुआ कि ये मिठाई 5 रुपए की है। रसीला का रंग उड़ गया, मतलब वो घबरा गया। उसके मुंह से साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहां से लाया है। हुजूर झूठ कहूं तो? रसीला ने अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही होगी। अब आती है हलवाई की बात। ऐसा कुछ डायलॉग है नहीं कुछ खास, लेकिन फिर भी याद रखना है कि क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। अब कोई रास्ता ना बचा था। कशा बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ कर दे। अब उसका झूठ पकड़ा गया तो उसने अपनी माफी भी मांगी। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगा, मतलब वो बहुत क्रोधित हुए। ये सब जो वर्ड्स मैं बोल रही हूँ, आप इसे बुक में लिख ले कहीं साइड में, तो जब आप रिवाइज करेंगे या फिर जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको इजी लगेगा। और कई बार पूछा भी जाता है वर्ड मीनिंग्स, तो आप याद भी कर ले। बहुत ही इजी स्टोरी है, वर्ड मीनिंग्स भी बहुत इजी है। जो नॉर्मली हिंदी बोलते हैं उन्हें ये पता होगा। फिर इंजीनियर बाबू से आंख बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोला, मनवा लेना, रातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो उसने सिपाही को भी 5 रुपए दिए, मतलब रिश्वत दी, और उसने कहा कि मनवा लेना, मतलब उसका झूठ कबूल करवा लेना, और कहा कि रातों के भूत बातों से नहीं मानते, मतलब जो आदमी बात से नहीं मानते उन्हें मार पीट कर करना चाहिए। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में गया, जो कि इंजीनियर बाबू के ऑपोजिट में रहते थे, उनके पड़ोसी थे। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई कहानी नहीं बनाए चाहता तो कह सकता था कि ये साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस जुटा ना पाया। उसकी आंखें खुल गई, हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। जो केस था वो शेख सलीमुद्दीन के कचहरे में पेश हुआ। रसीला ने साफ साफ अपना गुनाह कबूल किया और चाहता था कि वो ये कहानी बना सकता था कि वो एक साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो हलवाई और जो सिपाही है उसके साथ मिलकर उसने ये साजिश रचा, लेकिन उसने ये नहीं किया क्योंकि वो एक सच्चा आदमी था। फिर शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। कितने न्यायप्रिय आदमी थे हमें ये पता चल चुका है। जो रिश्वत लेते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि वो न्यायप्रिय आदमी होंगे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पोछा। ये वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। तो ये मतलब बहुत ही, मुझे तो बहुत फनी लगा, क्योंकि जो आदमी जिस रुमाल से वो मुंह पोछ रहा था, उसी रुमाल से उसने एक दिन पहले रिश्वत ली, और उसके बाद वो कहते हैं कि वो एक न्यायप्रिय आदमी है, तो ये मुझे तो नहीं लगता। फैसला सुनाकर रमजान की आंखों से खून उतर आया। उसे भी बहुत गुस्सा आया, बहुत ही क्रोधित हुआ। सोचने लगा, ये दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया, असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। ये उन लोगों को बोल रहा है जो घर में बैठकर रिश्वत लेते हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता, लेकिन जो एक चोरी पकड़ी गई तो उसे 6 महीने की सजा सुना दी गई। रमजान घर पहुंचा, एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद, ये रमजान ने बोला। अच्छा हुआ वह इसी लायक था, रमजान ने गुस्से से कहा, ये इंसाफ नहीं अंधेर है। सिर्फ एक अटिन्नी की ही तो बात थी।
इंजीनियर बाबू अच्छे खासे घर से आते थे, वो उन्हें उनके पास अच्छे खासे पैसे थे, लेकिन फिर भी सिर्फ 8 आने के लिए उन्होंने रसीला को जेल में दे दिया। तो इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि वो एक अच्छे आदमी नहीं थे, रिश्वतखोर थे और बहुत ही खड़ूस आदमी भी थे, लालची थे, इसीलिए उन्होंने सिर्फ 8 आने के लिए रसीला को जेल में घुसा दिया। अब हमने पात्र के बारे में पढ़ लिया, रसीला का परिवार भी मैंने बोल दिया, हलवाई सिपाही दासी ये भी हो गया। अब हम आते हैं थोड़े से पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ मैंने कुछ कुछ बताए हैं आपको, फिर भी मैं बोल देती हूँ। मैं बुक फॉलो कर रही हूँ, एक तो छोटा सा टेक्स्ट बुक आता है वो, और उसके बाद आप ये बुक भी जरूर खरीद ले, ICC का साहित्य सागर अभ्यास पुस्तिका। इसमें आपका स्टोरी इन ब्रीफ भी दिया गया है, फिर कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं और समरी दिया गया है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कवि परिचय तो उस बुक में भी है, इस बुक में भी है, और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए भी है। तो आप, मैं सजेस्ट करूंगी आप ये बुक जरूर खरीदें, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना एग्जाम में भी लिखने में फास्ट रहे आपको सुविधा रहेगी, क्योंकि इंग्लिश हम फास्ट लिख लेते हैं क्योंकि वो रोज हम लिखते हैं कहीं पर, कहीं ना कहीं हिंदी हम रोज नहीं लिखते हैं। सो इसीलिए आप ये बुक खरीदें, प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, उतना आपका स्पीड भी तेज होगा। सो चलते हैं पहले कठिन अपशब्दों के अर्थ मैंने कुछ कुछ बताए, तनख्वाह वेतन होता है, संदेशक, ये सब आपको पता ही होगा। तो कठिन शब्दों के अर्थ भी हमारा हो गया। अब हम आते हैं कहानी का उद्देश्य, की कहानी का मोटिव क्या है। कहानी में न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया है, मजाक किया गया है, साथ ही समाज के उच्च तथा प्रतिष्ठित पदों पर आसीन लोगों पर भी प्रहार किया गया है जो रिश्वत लेकर भी सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि एक निर्धन व्यक्ति केवल एक अठन्नी की हेराफेरी करने के जुर्म में 6 महीने के कारावास का दंड भोगने पर मजबूर है। हमें कभी यही बताते हैं कि जो बड़े बड़े आदमी है जो रिश्वत लेते हैं, फिर रिश्वत लेने के बाद भी वो एक इज्जत भरी जिंदगी जीते हैं, लेकिन एक जहाँ वही हमें रसीला के बारे में बताया जाता है कि इतना ईमानदार, इतना अच्छा इंसान, सिर्फ 8 आने के हेराफेरी के लिए उसको 6 महीने की कारावास जेल की सजा सुना दी गई। इंजीनियर बाबू जगत सिंह की हृदयहीनता का पर्दाफाश किया गया, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि वो बहुत ही कठोर इंसान थे, और एक निर्धन चौकीदार की दयालुता को उजागर किया गया, रमजान के बारे में बताया गया क्योंकि उसने उसको पैसे दिए जब वो बहुत ही मुश्किल समय में था, उसके बच्चे बीमार थे और घर में पैसा नहीं था, जो रसीला के परिवार की मदद के लिए रुपए की मदद करता है। तो एक तरफ रसीला है, एक तरफ रमजान है और एक तरफ इंजीनियर बाबू है। सो दोनों को कंपेयर किया गया है, दोनों को बोला गया है कि एक इंजीनियर बाबू है जिसकी इतनी सेवा करने के बाद भी रसीला को कुछ नहीं मिला, लेकिन वही रमजान है जो गरीब है, जो एक साधारण सा इंसान है, लेकिन फिर भी जब उसने रसीला की बात सुनी, रसीला की प्रॉब्लम सुनी, तो उसने तुरंत ही अपने पैसे दे दिए बिना कोई झिझक के। ये हो गया हमारा स्टोरी, बहुत ही इजी सा स्टोरी है। उसके बाद मैंने कि जैसे बताया, ये बुक आप जरूर खरीदें, उसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप उसे सॉल्व करें। जैसे कि अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे दे, तो पहला जो है, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा, ये ऑलरेडी मैंने अंडरलाइन करवाया हुआ है। इसमें वक्ता कौन है, वक्ता मतलब स्पीकर कौन है, उसका परिचय दीजिए, उसने उपयुक्त वक्त में क्या, किस संदर्भ में कहा, मतलब किस बारे में कहा। तो ऐसे ऐसे करके अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर कोई इस सेशन को लेकर अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, और अगर आप मुझे पर्सनली जानना चाहते हैं या फिर मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ईमेल आईडी से भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन। दिस इज रिया तिवारी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।